Our love to all. दिलीप चैनल 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 जा रहा है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मधु दिलीप फूड एंड लाइफ में आप लोगों का आज सुबह सुबह फिर से स्वागत है। डे टू इन पूरी। हम लोग अभी जा रहे हैं सी बीच में, जो हमारे होटल के ये पीछे होटल है और उसके ठीक सामने है। तो हम लोग घूमेंगे, देखते हैं सी बीच में हम लोग क्या क्या करते हैं और सी बीच में हमारे लिए क्या क्या है। सनराइज हो चुका है, ठीक है। थोड़ा लेट निकल रहे हैं हम लोग, लेकिन जगह बहुत पहले थे तो कुछ तैयारियों को करते हुए थोड़ा सा टाइम लग गया। और यही होता है कि जब आप बिल्कुल नज़दीक हों तो थोड़ा सा देरी हो जाती है। आज हम लोग बहुत घूमेंगे। हाँ। जो कल पहला दिन आए थे नहीं कर पाए। अरे कल तो घूम घूम के इतना हो गया कि सोए रही आप, थक गई बिल्कुल। हाँ, फिर भी आज और भी ज़्यादा घूमने की कोशिश करेंगे, पूरा टाइम को यूटिलाइज करने की कोशिश कर। दिलीप ने बोला कल भी हम लोग टाइम को बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज बहुत सारा काम किया है कल हम लोगों ने। हाँ, कल थक गए, लेकिन आज भी हम लोग बहुत अच्छी तरह से इसको एंजॉय करेंगे और आप लोगों को सारा चीज़ दिखाएंगे। माँ सुष्मिता और मौसी उस होटल में है, बहुत डिस्टेंस है, इसलिए हम लोग सोचा कि आज हम लोग शाम को मिलेंगे, क्योंकि आने जाने बहुत थक जा रहे हैं। जगह ही इतनी दूर दूर है, हमने पता किया तो किसी ने हमें बोला करीब करीब 7 से 8 किलोमीटर लॉन्ग स्ट्रेच है बीच का। तो आप समझ सकते हैं कितना दूर है। पीछे स्टॉल्स लगे हुए हैं, लोग चाय डाब और कुछ कुछ लोकल डेलिकेसीज है उसको खा रहे हैं। हम लोग भी खाएंगे क्योंकि अभी लेकिन आ रहे हैं। छोटा छोटा गूगल का जाति लोग सब आराम कर रहा है, रेस्ट कर रहा है। इधर यहाँ पर मेन्दू वड़ा वगैरह है इस जगह पर। हम लोग आएंगे आज, आज नाश्ता कराएंगे आपको, यहाँ पूरी के बीच में क्या क्या मिलता है वो भी दिखाएंगे। दोस्तों पूरी का सनराइज बहुत शानदार है समुद्र के ऊपर से, और देखिए सनराइज हो चुका है। हम लोग थोड़ा लेट हो चुके हैं, और देखिए अभी इतना सुबह इतना लोग समुंदर में नहा रहे हैं। एक्चुअली सुबह का मज़ा कुछ अलग होता है, क्योंकि उसके बाद जब धूप ज़्यादा बढ़ जाता है उसमें से अभी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत ठंडा है। अभी बहुत सारे लोग आ भी रहे हैं, हम लोग भी नहाएंगे अभी। दोस्तों कल हमें गूगल और एविट को बहुत मिस किया, और रास्ते में जिसने डॉग थे उनको खिलाए। देखिए गूगल और एविट की है सारे डॉग कितना खेल रहा है, चलो उनके पास जाते हैं उनको लेते हैं। हाँ गूगल और एविट रहते तो वो भी ऐसे खेलता, नेक्स्ट टाइम ज़रूर लेके आने की कोशिश। जा रहा है, मुझे भी राइड करना है कैमल का। तो दोस्तों मधुमिता ने मुझे ये टंगवा दिया है, ये क्यों पहले दिलीप तुम टांगो। पूरी में ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आप थैला लेकर आओ और थैले को इसी तरह से टांगते रहो, ठीक। और मैंने अपना ग्लास लेकर आया था, वो तो लेकर आई नहीं, तो वो बिल्कुल अपना रूप चेंज कर ली, सारा मेरा चीज़ हड़प ली है वो, हड़प ली। और अभी दिखाता हूँ उसका क्या क्या चीज़ है, उसका लुक बिल्कुल चेंज हो गया। कैमल लारा ने बात कर दी, मैंने बात किया कि शाम को चलेंगे। इसका जो प्राइस बोला, एक बच्चे का 50 रुपीस, एडल्ट का 100 रुपीस, ऐसा है। ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, थोड़ा सा घुमा देंगे। 75 में आ जाएगी बीच की है।
बच्चे का चश्मा है। ठीक है, दे देते हैं। समंदर ने किसी का पावर ग्लास हमें दे दिया है, इसे हम रख देते हैं अभी, शायद किसी को पता चल जाए, शायद कोई ले ले। आज गिरा, कब गिरा, कितने सालों पहले गिरा, ये नहीं पता हमें। दोस्तों, आवर लव मधु दिली फूड एंड लाइफ के सारे फैमिली मेंबर्स को, इस वर्ल्ड को और पूरा ह्यूमैनिटी को, पूरी सीरीज से मधु एंड दिली। आवर लव टू ऑल, आवर लव टू ऑल। दिलीप, मुझे समुंदर ने चश्मा दिया है, मुझे चश्मा मिला है। मैं इधर जो बीच में जो बैठे रहते हैं उन लोगों को देर, इधर का जो लोग है, और अगर किस गार्ड सा और किसी का अगर ये चश्मा हो आके ले जाइएगा। मैं उन लोगों को दे रही हूँ, किन को दे रही हूँ देख लीजिए आप। लाइफ गार्ड है इधर, लाइफ गार्ड है ये लोग, ये लाइफ गार्ड है मेरे साथ जो है इधर का, पूरी बीच का लाइफ गार्ड है। ये जो मुझे चश्मा मिला है मैं इनको दे रही हूँ, ताकि किसी को अगर जरूरत हो जिसका ये चश्मा है आके ले जाए। थैंक यू दादा जी, थैंक यू।